So, dear students, we are discussing chapter surface chemistry और next topic है बेटा catalysis. तो सबसे पहली बात catalyst क्या होता है बेटा? Catalyst ऐसा कोई भी substance जो reaction के rate को change कर दे. अगर मैं बात करूँ what is catalyst, सबसे पहली बात बेटा catalyst क्या होता है? कोई भी ऐसा substance जो reaction में बिना use हुए जितना रिएक्शन में स्टार्टिंग में लिया था उतना ही बाद में बाहर भी निकल जाएगा, बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? कैटालिस्ट. तो मैं बोल सकता हूं बेटा सब्सटेंस सब्सटेंस विच एल्टर्स और चेंजेस which changes rate of reaction without being consumed in it. बेटा for example अगर मैं Haber's process की बात करूँ, Haber's process में बेटा हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया गैस का सिंथेसिस करते हैं, नाइट्रोजन गैस लेंगे साथ में 3 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड इट विल फॉर्म NH3 गैस. तो बेटा इसके अंदर कैटलिस्ट क्या यूज होता है बेटा? Fe सॉलिड, आयरन सॉलिड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट. तो बेटा आयरन जो है जो कैटलिस्ट हमारा यूज हुआ जितना रिएक्शन में स्टार्टिंग में लेंगे उतना ही हमें बाद में वापिस मिल जाएगा, बट इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन. तो ऐसा सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? कैटालिस्ट. अब कैटालिस्ट के दो टाइप होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट बेटा. सबसे पहला होमोजेनियस कैटालिस्ट बेटा. होमोजेनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं? ऐसा कैटलिस्ट जिसका फेज और रिएक्टेंट्स का फेज सेम हो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस कैटलिस्ट. फेज यानी बेटा मान लो रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी कैसा हो? सॉलिड. या फिर बोल सकते हैं रिएक्टेंट अगर गैसियस है तो कैटलिस्ट भी कैसा हो बेटा? गैसियस ही हो तो हम बोलेंगे वो होमोजेनियस कैटलिस्ट है. मैं बोल सकता हूं बेटा when phase of catalyst and reactants is same. For example, CO gas plus O2 gas, it will form CO2 gas. और हम catalyst use कर सकते हैं बेटा nitrogen oxide. और अगर equation को balance करो तो 2 and 2. तो बेटा यहां पे देखो रिएक्टेंट्स आर गैसियस और कैटलिस्ट भी कैसा है बेटा? गैसियस ही. मैंने कैटलिस्ट ले लिया NO गैस. तो अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स का फेज सेम है जैसे यहां पर दोनों ही गैसियस फॉर्म में है तो बेटा ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस कैटलिस्ट. और सेकेंड इज हीट्रोजीनियस कैटालिस्ट बेटा. जब रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट का फेज डिफरेंट हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? हम कैटालिस्ट को बोलेंगे हीट्रोजीनियस कैटालिस्ट. या फिर मैं बोल सकता हूं बेटा फेज ऑफ कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स इज डिफरेंट. जैसे बेटा हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल लिया था N2 गैस, रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस फॉर्म प्लस 3H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन सॉलिड एज कैटालिस्ट इट विल फॉर्म अमोनिया गैस. बेटा ये एक फेमस रिएक्शन है जिसका नाम क्या है? हेबर्स रिएक्शन या हेबर्स प्रोसेस. बेटा हेबर्स प्रोसेस से हम लोग अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं.
यहाँ पे कैटलिस्ट सॉलिड यूज हुआ है और रिएक्टेंट्स आर गैसियस, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। वन मोर एग्जांपल बेटा, जैसे कि मान लो मैंने SO2 गैस लिया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस, एंड इट विल फॉर्म SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इन प्रेजेंस ऑफ NO गैस। हेयर रिएक्टेंट्स आर गैसियस एज वेल एज कैटलिस्ट इज गैसियस, तो ये होमोजेनियस कैटलिस्ट का बेटा एग्जांपल है। और अगर मैं सेम रिएक्शन को करवा दूं बेटा, SO2 गैस प्लस O2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल इन सॉलिड फॉर्म, इट विल फॉर्म SO3 गैस। तो बेटा देखो, यहां पे रिएक्टेंट्स आर गैसियस और कैटलिस्ट कैसी फॉर्म में बेटा, सॉलिड फॉर्म में, तो इट इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज, कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर कैटालिटिक कन्वर्टर्स, व्हाट आर कैटालिटिक कन्वर्टर्स। बेटा देखो, कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे व्हीकल्स के जो इंजन होते हैं बेटा, उनमें काफी बार टॉक्सिक गैसेज बन जाती है, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन मोनोक्साइड या फिर मीथेन गैस। तो बेटा उन टॉक्सिक गैसेज को नॉन टॉक्सिक गैसेज में यूज करने वाले कैटलिस्ट को, सॉरी कन्वर्ट करने वाले कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर। जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं बेटा, सब्सटेंसेस और कैटलिस्ट ही होते हैं एक तरीके से, सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट्स टॉक्सिक गैसेज प्रोड्यूस्ड इन इंजन्स इनटू नॉन टॉक्सिक गैसेज। बेटा फॉर एग्जांपल, मान लो कभी मेरे पास कार्बन मोनोक्साइड गैस बन गई, तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन गैस के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, और कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होगा बेटा, पिट्टी सॉलिड। तो यहाँ पे पिट्टी सॉलिड क्या है बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर, ये कार्बन मोनोक्साइड को किसमें बदल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कभी मेरे पास मीथेन गैस बन गई बेटा, CH4 गैस, तो मीथेन को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, मीथेन इज टॉक्सिक गैस बेटा, तो कैटालिटिक कन्वर्टर यहां पर भी क्या है बेटा, पिट्टी सॉलिड, इट विल कन्वर्ट मीथेन टू CO2 प्लस H2O। तो यहां पर भी पिट्टी क्या है बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ओके बेटा, दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं ऑन बेसिस ऑफ कि वो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, अगर मैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की सेकंड क्लासिफिकेशन देखूं बेटा, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, तो बेटा देखो, एक तो वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, उस कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे, इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। और बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से इंक्रीज करता है ये देखो आप लोग, एक्चुअली ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बेटा। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, इट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, EA, मैं ग्राफ बनाता हूं आप लोगों के सामने। इफ दिस इज एनर्जी प्रोफाइल, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है बेटा, एनर्जी, एंड ऑन एक्स एक्सिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ बढ़ रहे रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।
बेटा मान लेता हूं कि नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब भी कन्वर्ट हो रहे थे तो ये इस तरीके का ग्राफ बन रहा था मेरे पास। और नॉर्मल कंडीशन में बेटा देखो रिएक्टेंट और ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है बेटा ये क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट, इनकी जो एनर्जीज में डिफरेंस होता है बेटा ये जो एनर्जी डिफरेंस आया इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बेटा। किस तरीके से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अब ये वाला पाथ फॉलो नहीं होगा बेटा, कोई नया पाथ फॉलो होगा बेटा। अब आप लोग देख सकते हो बेटा पहले इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन दूसरे पाथ से जा रही थी, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन दूसरे पाथ से जा रही है और अब एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट क्या हो गया बेटा कम हो गया। अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया ई ए सी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो बेटा अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई इसका मतलब यह है कि रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं एग्जांपल देखना चाहूं बेटा तो फॉर एग्जांपल H2O2 गैस इट विल कन्वर्ट टू H2O लिक्विड प्लस O2 गैस सॉरी H2O2 लिक्विड। और बेटा कैटलिस्ट यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं PT सॉलिड। और अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो SO2 गैस प्लस O2 गैस इट विल फॉर्म SO3 गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल सॉलिड। तो ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट के। बेटा सेकंड इज नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है बेटा। किस तरीके से कम कर देता है कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि रिएक्शन के रेट को हमें स्लो करना पड़ता है तो वहां पर नेगेटिव कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो ये क्या करता है नेगेटिव कैटलिस्ट इट डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज कैसे करेगा ये रेट ऑफ रिएक्शन को बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। अगर मैं ग्राफ देखना चाहूं वाई एक्सिस पर दोबारा से मैंने क्या लिया बेटा एनर्जी एंड एक्स एक्सिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो बेटा रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स बेटा इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये वाला पाथ फॉलो कर रहे थे तो बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये कैसा पाथ फॉलो करेंगे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी इस बार और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप लोग देख सकते हो बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी की प्रेजेंस में सॉरी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई है एंड इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो बेटा जाहिर सी बात है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट ने बढ़ा दी तो उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इसने क्या कर दिया बेटा स्लो। तो ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल बेटा देखो जैसे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ पीटी सॉलिड क्या हो रहा था बेटा पीटी सॉलिड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया था पॉजिटिव कैटलिस्ट इसने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया था। और अगर इसी H2O2 को मैं ग्लिसरीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाए और ये बनाए H2O लिक्विड प्लस O2 गैस तो बेटा ग्लिसरीन यहां पे कैसे बिहेव करेगा नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह ये रिएक्शन को क्या कर देगा बेटा स्लो डाउन कर देगा। तो बेटा स्लो डाउन कर देगा अगर रिएक्शन को तो ये क्या है नेगेटिव कैटलिस्ट।
इसका सेकंड और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, नेगेटिव कैटलिस्ट का सेकंड और इम्पोर्टेंट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं बेटा, देखो हमारे पास जो व्हीकल्स में पेट्रोल यूज, बेटा अब सेकंड एग्जांपल जो मैं बता रहा था कि देखो बेटा पेट्रोल हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, एक्चुअली पेट्रोल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, और पेट्रोल में आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए पेट्रोल के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक कैटलिस्ट डालते हैं, एक नेगेटिव कैटलिस्ट जो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दे बेटा। ये रियल लाइफ एग्जांपल है और इम्पोर्टेंट भी है बेटा। इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, हम लोग एंटी नोकिंग एजेंट, और बेटा ये एंटी नोकिंग एजेंट हम लोग क्या लेते हैं, टेट्रा इथाइल लीड, तो टेट्रा इथाइल लेड PbC2H5 4, दिस इज एंटी नोकिंग एजेंट इन इन पेट्रोल। बेटा गर्मी के टाइम में पेट्रोल में आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेट्रोल इज वेरी रिएक्टिव, तो उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग एंटी नोकिंग एजेंट डालते हैं, और बेटा ये एंटी नोकिंग एजेंट क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड, तो दिस इज टेट्रा इथाइल लेड। तो बेटा ये क्या करता है, इट डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ पेट्रोल, रिएक्टिविटी ऑफ पेट्रोल एंड प्रिवेंट्स इट टू कैच फायर। तो बेटा इसने पेट्रोल की रिएक्टिविटी को कम कर दिया, इसका मतलब ये क्या है बेटा, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है बेटा, कई बार क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज ऑटो कैटालिसिस। बेटा ऑटो कैटालिसिस क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट खुद कैटालिस्ट की तरह बिहेव करे, प्रोडक्ट अगर कैटालिस्ट की तरह बिहेव करे तो हम क्या बोलेंगे, ऑटो कैटालिसिस। तो देखो बेटा जो प्रोडक्ट बना है वो खुद के बनने को ही कैटालाइज कर रहा है, कि रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, वो एक ऑटो कैटालिस्ट है जो खुद की फॉर्मेशन को बढ़ाए। मैं बोल सकता हूँ बेटा, व्हेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड, व्हेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए रिएक्शन एक्ट्स एज कैटालिस्ट, तो हम क्या बोलेंगे बेटा उसको, ऑटो कैटालिसिस, ऑटो कैटालिस्ट। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, अगर हम एस्टर हाइड्रोलिसिस, एक फेमस रिएक्शन है बेटा, एस्टर हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बेटा, हम लोग एस्टर के अंदर वाटर ऐड करते हैं और एसिड प्लस एल्कोहल बनता है। तो देखो बेटा एस्टर का फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 COO CH3, और हाइड्रोलिसिस बेटा इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया है, वाटर ऐड कर दिया है। तो बेटा वाटर के ऐड करने पर रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दिस इज एस्टर, ये एक फेमस रिएक्शन है बेटा, एस्टर प्लस वाटर, और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या है बेटा, एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल CH3OH, दिस इज एल्कोहल, इट्स नेम इज मिथेनॉल। बेटा तो देखो इस रिएक्शन में एस्टर हाइड्रोलिसिस के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा बनता है वो एक कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, इस रिएक्शन में एसिड एक कैटालिस्ट है बेटा, और एसिड ही प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये खुद की यील्ड को ही, अपने अमाउंट को ही बढ़ा रहा है बेटा एक तरीके से, तो ये अपनी फॉर्मेशन को क्या कर रहा है बेटा, कैटालाइज कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटा, एक इट इज ए ऑटो कैटालिस्ट।